अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ जुड़िया बाज़ार में। तो यहाँ पर जो है हर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें, आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय की पत्ती वगैरह मुनासिब कीमत में दस्तियाब है। तो हम आपको बताएँगे क्या क्या प्राइस चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको मालूम है आजकल काफ़ी महंगाई का दौर है, हर चीज़ खाने पीने की आम आदमी की बहुत से दूर होती जा रही है। तो इसीलिए जो है हमने सोचा आप क्यों ना कोई नई चीज़ आपके लिए ढूंढी जाए, नई जगह ढूंढी जाए, नई लोकेशन ढूंढी जाए जहाँ पे आप लोगों को सस्ते म्यारी चीज़ें मिल सके। तो इसीलिए हमने जुड़िया बाज़ार का रुख किया। तो आप लोगों के लिए जो रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें हैं उनके रेट आपके लिए मालूम की जा सके। तो यहाँ पर हम हर शॉप की मालूम करेंगे तो क्या क्या प्राइस चल रहे हैं, तो फिर ताकि आप लोगों को अपडेट कर सकें। तो फिर आइए मेरे साथ, हम शॉपकीपर्स का यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, हर दुकानदार से बात करेंगे प्राइस के हवाले से। तो इंटरव्यू शुरू करते हैं, तो अब आइए मेरे साथ इंटरव्यू लेते हैं। तो हम आ गए हैं दिया अचार की शॉप है इनकी, फाइन क्यू के नाम से। तो इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? फाइन क्यू के सामने कैमरा लाहौरी के नाम से मेरा अपना बिरादर है। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या वैरायटीज होती हैं अचार में? अचार की पूरी वैरायटी होती है, जैम, जेली, मुरब्बे, सारा आइटम होता है हमारे पास, और होलसेल रेट में होता है हमारे रेट में। क्या क्या प्राइस चल रहे हैं आजकल अचार? कौन से आम का अचार हो गया, लहसुन का अचार हो गया, और कौन कौन सा अचार है प्राइसेज भी बताइएगा जरा हमारे व्यूवर्स को। मुख्तलिफ रेट में आइटम होते हैं, मुख्तलिफ जायके हैं, मुख्तलिफ तेल में बने होते हैं, मुख्तलिफ मसाले में अचार होते हैं। 160 रुपये किलो से लेकर 240 रुपये किलो के मिक्स अचार होते हैं। दिखाइए जरा कौन सा क्या किलो चल रहा है अचार। ये मिक्स अचार होता है बिल्कुल नई केरी, फ्रेश केरी का, 160 रुपये किलो है। और ये डबल मसाले में होता है, 200 रुपये किलो के रेट हैं। ये हैदराबादी फ्राई अचार होता है, 240 रुपये किलो का रेट है। सबसे आगे वाला ये कोरमा अचार होता है, इसका रेट अलग का बना करें, 200 रुपये किलो का रेट है। और ये जो चटनी रखी, चटनी की क्या रेट वगैरह है आपके? और लहसुन का जो अचार रखा है इसके रेट है? 240 रुपये किलो, छिलका बगैर का 200 रुपये। और आपके पास तो हरी मिर्चों के मतलब बहुत सारी वैरायटी है आपके पास। दही वाली मिर्ची होती है हैदराबादी, फ्राई मिर्ची होती है हैदराबादी, मिर्ची दो किस्म की होती है। और ये क्या ये रखा हुआ सामने? ये शिकारपुरी अचार होता है, आम का भूजा, अच्छी कैडी के अंदर खट्टा खट्टा भूजा होता है, उसका अचार होता है। इसका क्या रेट वगैरह, क्या केजी चल रहा है जरा? ये 280 रुपये किलो का रेट है। और हमारे जो व्यूवर्स देखने वाले हैं वो आएंगे तो थोड़ी डिस्काउंट वगैरह देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जब इंशाल्लाह गुजाइश होगी, इंशाल्लाह आइटम अच्छे होंगे, बिल्कुल मुनासिब रेट में देंगे। कितना डिस्काउंट देंगे हमारे व्यूवर्स को? 40 से 50 रुपये मुनासिब करते हैं। चीज़ गारंटी वाली होगी, फिर इसके बाहर रखकर 6 महीने गारंटी होगी आइटम। अपना नाम, मोबाइल नंबर बता दीजिए, कोई आना चाहे व्यूवर्स तो आपसे कॉन्टेक्ट कर ले। आपके होम डिलीवरी भी देते हैं क्या? नहीं, होम डिलीवरी यहीं डिलीवर होती। कामरा लाहौरी के नाम से मेरा चार मुरब्बा है, जोड़िया बाजार, बरनल चौक, कामरा लाहौरी के चार के नाम से। मोबाइल नंबर बता दीजिएगा अपना ना? 0310-23-93-604। चले सही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये हम आ गए, अब रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें इनके पास होती हैं, शैम्पू हो गया, उसके बाद क्रीम्स वगैरह, लोशंस वगैरह, साबुन वगैरह इनकी शॉप पर है। तो इनसे पूछते हैं इनकी शॉप पर क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। ये आपकी शॉप का क्या नाम है और आपका क्या नाम है ज़रा बताइए। सलमान नाम है मेरा, जोधिया बाज़ार से बात कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी आइटमें होती हैं, साबुन वगैरह, दूध, शैम्पू, क्रीम वगैरह होलसेल रेट में होती है, रिटेल से बहुत कम रेट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो जानते होंगे जोधिया बाज़ार का नाम कितना फेमस है, क्या है। जैसे आम शॉप के ऊपर साबुन वगैरह ऐसे कुछ जो रिटेलर मिलता है उससे कितना फर्क होता है? बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे वहाँ शैम्पू की बोतल 700 रुपये की है तो यहाँ पे 500-550 रुपये की है। साबुन वगैरह जैसे बाहर 130 रुपये का है तो यहाँ पे 110 रुपये का है। इसी तरह और आइटमों पर टूथब्रस्ट वगैरह पे 30-40 रुपये पीस पर कम है। काफ़ी हद तक रेस्टों में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। जो बोलते हैं कि नहीं होता वो उनके लिए नहीं होता होगा, जैसे जोधिया बाज़ार अच्छा होलसेल मार्केट है। क्या आप होम डिलीवरी भी देते हैं या सिर्फ शॉप पे सेल करते हैं आप लोग? नहीं, मेरा होलसेल का काम है, हम लोग शॉप पे ही काम करते हैं। जैसे कि हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं वो अगर ले आपसे तो आप उसको डिस्काउंट देंगे उसमें व्यूवर्स को आने पर? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। कितने परसेंट डिस्काउंट देंगे उसमें? मैक्सिमम 15-20%। अच्छा, चलें सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम आ गए साबिर मसाला शॉप के ऊपर, तो इन भाई से पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या मसाले हैं, उसके क्या क्या रेट चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं जनाब, शुक्र है परवरदिगार का। आपके पास कौन कौन से मसाले होते हैं, क्या क्या रेट है उन मसालों के? सर हमारे पास गर्म मसाले वगैरह होते हैं सारे,
और ये अनाज वगैरह होता है हर चीज़ मिल जाएगी मसाले के अंदर, शान में, नेशनल में खुले मसाले मिल जाएंगे। ये बादामे के रेट है आपके पास? बादामे 1800 रुपए किलो, पिस्ता है 4800 रुपए किलो, लौंग 2800 रुपए किलो, दालचीनी है 700 रुपए किलो, बड़ी इलायची 2400 रुपए किलो, बादियाने 2000 रुपए किलो जनाब। ये जवतरी है 6000 रुपए, ये जायफल होता है, ये गोन होता है वगैरह, जीरा वगैरह, काली मिर्ची वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी आपको। तो ये इलायची का क्या रेट है आपके पास? ये 4500 रुपए किलो। और सौंफ? सौंफ हो गई है 900 रुपए किलो। और जो अखरोटी गिरी रखी है आपके पास? 2000 रुपए किलो जनाब। तो हमारे व्यूवर्स को आप बता दें आपकी शॉप कहाँ पर है, कोई आना चाहे तो आपसे ले ले, मोबाइल नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा आप। सर जोड़िया बाजार के अंदर है, साबानी मस्जिद छपा गली के अंदर। तो मोबाइल नंबर देना चाहे तो मोबाइल नंबर दे दें, नहीं देना चाहे तो बता दें। कोई व्यूवर्स अगर होम डिलीवरी कराए तो होम डिलीवरी देते हैं आप क्या? नहीं सर, हमारे पास इतना वो अवेलेबल नहीं है। चले शुक्रिया बहुत बहुत आपने। ये हम आ गए मसालों वाली शॉप के ऊपर, इनकी शॉप का नाम है अहमद स्टोर। तो अब इनसे बात करते हैं किस किस चीज़ के क्या प्राइस चल रहे हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? तो बस क्या क्या प्राइस चल रहे हैं मसालों के, ज़रा बताइए। मसाले के सबके अलग अलग प्राइस हैं, जो आप बोलेंगे उसके रेट बताएंगे आपको। दादा ज़रा मुझसे बताइए किसके क्या प्राइस हैं। चल रहे सर 200 मैगनी 200 रुपये चल रही है, 200 रुपये किलो है, पैकेट है, ये सब मसाले लगे हुए मेरे पास। आप देख रहे हैं सबके अलग मुख्तलिफ रेट है, मुनासिब रेटों में माल है। ये फिश मसाला है 800 रुपये किलो है, बिरयानी मसाला है वो 800 रुपये किलो है, कढ़ाई है वो भी 800 रुपये किलो है, कोपरा है वो आपको आएगा 1200 रुपये किलो, धनिया पाउडर आपको आएगा 120 रुपये पाओ, मिर्ची आएगी 150 रुपये पाओ, आपको हर चीज़ मिलेगी 150 रुपये पाओ, बोली चिकन है, चमन पाओ बोली है, चिकन पाओ है, ठीक है। ये अलग अलग है, मेथी दाना है, हल्दी पाउडर है वो आपको मैं लगा दूंगा अल्लाह भला करें 400 रुपये किलो, ठीक है ना। गरम मसाला 400 रुपये पाव है, ये तिथि मिर्च है ये भी 400 रुपये पाव है, लौंग है 3000 रुपये किलो है, ठीक है ना। आपके पास तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत कम कीमतों में सामान है। तो आपने व्यूवर्स को नंबर देना चाहिए, नंबर दे दें, मोबाइल नंबर भी कॉन्टैक्ट कर ले, आपसे लेना चाहेंगे तो आके ले लेगा हमारा व्यूवर्स। 0300 3036। ये अब आ गए अब्दुल बासित स्टोर के ऊपर, इनके पास जो है तमाम इकसाम के मसाले वगैरह दस्तियाब हैं। तो इनसे इंटरव्यू लेते हैं, इनके नाम वगैरह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, करम है, मालिक का एहसान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उबैद। अच्छा, तो आपके पास कौन कौन से मसाले दस्तियाब हैं और क्या क्या वैरायटी है आपके पास, क्या क्या चीज़ें ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। सर अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास तो सब वैरायटियाँ हैं, शान में भी है, नेशनल में भी है, डब्बे भी है, शाशे भी है, सारी वैरायटी है, अल्लाह का शुक्र है। होलसेल की दुकान है। प्राइस वगैरह क्या है आम दुकान में ले, उसमें क्या प्राइस है, अगर आपसे लें तो आपसे क्या फ़ायदा होता है? कस्टमर चलाते हैं 410 रुपये दर्जन, शान मसाले की लड़ी पड़ती है, यानी कि 34 रुपये का एक शाशा पड़ता है, 40 रुपये रिटेल है इसकी। नेशनल 320 रुपये चलाते हैं, 30 रुपये रिटेल है, 360 का माल होता है, शान वाले का 480 रुपये का माल होता है रिटेल में, हम लोग होलसेल में देते हैं यहाँ पर। अगर कोई माचिस वगैरह जैसे माचिस का क्या रेट है आपके पास? ये माचिस भी हम होलसेल में देते हैं 150 रुपये की है, कोई काटन लेता तो 145 रुपये उसमें लगा देते डंडा। आम दुकानों पे क्या रेट चल रहा है इसका? आम दिनों में 200 रुपये 250 रुपये का माल है इसमें, टोटल कोई 200 रुपये की सेल करता है, कोई 250 का सेल करता है रिटेल वाला। तो अपनी शॉप की लोकेशन बता दीजिए, कोई हमारा व्यूवर्स आगे लेना चाहेगा तो आपसे यहाँ पे ले लेगा फिर आके? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आकर ले ले, ये जुड़िया बाजार इनकी दरबार है सर, जुड़िया बाजार है, पॉपुलर के सामने दुकान है, माशाल्लाह पॉपुलर की मशहूर दुकान है, साबानी मस्जिद है यहाँ पर, अब्दुल बासित स्टोर करके नाम है। ये हम आ गए हैं आरिफ स्टोर के ऊपर, इनके पास जो है पुष्प मेवाजात दस्तियाब हैं। तो इनसे पूछते हैं क्या क्या रेट चले हैं पुष्प मेवाजात के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? करीब से ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? करीब से ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ज़रा ये बताइए क्या क्या प्राइस चल रहे हैं हमारे व्यूवर्स को, इंजीनियर की क्या प्राइस है? ये हल्की वाली है 200 रुपये का,
और ये बादाम जो है ये 900 रुपए किलो है, ये 400 रुपए किलो है, ये 300 रुपए किलो है, ये 900 रुपए किलो है, ये 1200 रुपए अमेरिकन का लिया है, ये 450 रुपए किलो है, ये 1500 रुपए किलो है, 600 रुपये किलो, 650 रुपये किलो, 650 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 300 है, मखाने 500 रुपए किलो पाव है, ये पक्का बीज है 450 रुपए किलो। और आपके पास क्या क्या है जरा बताइएगा। यहाँ मसाले होते हैं, जायफल है, जायफल है ये 1800 रुपए किलो है, काली मिर्ची 1100 रुपए किलो है, बादाम 1800 है, छोटी इलायची 2800 है, जवाकरी 6000 रुपये, बड़ी इलायची 2500 है, दालचीनी 650 रुपये किलो है, छोटी इलायची 800 रुपये है, जयाली 1000 रुपये है, ये कितने की है, हल्दी 400 रुपये किलो, 900 रुपये। जी हम आ गए, इनके पास चाय की पत्ती वगैरह दस्तियाब है, तो इनसे पूछते कौन कौन सी पत्ती है, इनका क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या रे सर, आप खैरियत से हो सर? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। आपका क्या नाम है भाईजान? मुहिब अली खान नाम है मेरा सर। कौन कौन सी चाय की पत्ती आपके पास दस्तियाब है? मेरे पास फैमिली मिक्सचर है और दानेदार है, बारीक है, होटल वाला पत्ती है सर। क्या रेट है इस पत्ती का? जो पत्ती आपके पास है इमली मिक्सचर अच्छी वाला जो है 1100 रुपए किलो है, फिर उससे नीचे जो है 1000 रुपए किलो, 1100 वाला जो है वो टफाल के मुकाबले में होगा, वजन भी पूरा होगा 1000 ग्राम और चले चीज़ उससे 100 गुना अच्छी चीज़ होगा। ये जो आम दुकानों पे मिलती है इनके क्या रेट होते हैं? आपकी दुकान पे क्या फ़र्क पड़ता है लेने में? हमारे लिए मतलब कंपनी का इश्तहार होती है, मतलब वजी टैक्स होती है हमारे, सिर्फ एक सेल टैक्स होती है, ये दे दें हुकूमत गवर्नमेंट को सर, ये चीज़ें दे रहे हो, लोगों का इश्तहार तो ज़्यादा होती है तो वही पैसा जो है आवाम से निकालते हैं। तो आप आपकी दुकान कहाँ पर है सर, ये बताइएगा? दुकान पुड़िया बाजार में सर, टी मार्ट के नाम से। नाम के आपका ये बता दीजिएगा और मोबाइल नंबर दे दीजिए, कोई अगर आप होम डिलीवरी देते हैं तो वही बता दीजिएगा, ये सिर्फ शॉप से सेल करते हैं आप? जी जी, मोबाइल नंबर आप लिखो 0301-2064-896 मोबाइल नंबर है सर, और आपको जो भी चीज़ चाहिए आप जुड़िया बाजार में आ सकते हैं, इंशाल्लाह दे सकते हैं। चले बहुत शुक्रिया, अच्छी है जी जी। ये देखिए इनके पास मुख्तलिफ इकसाम की जो चाय की पत्ती दस्तियाब है, टी मार्ट के नाम से इनका जो है ब्रांड है, जो लोग लेना चाहें चाय की पत्ती वो इनसे आके ले लो, ये बहुत मुनासिब कीमत पर चाय की पत्ती दे रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी है माशाल्लाह से, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब हम आ गए कादरी राइस स्टोर के ऊपर, आला क्वालिटी की चावल और दालें वाले इनके पास दस्तियाब है, तो इनसे पूछते हैं क्या रेट चल रहा है चावल का, कौन कौन सी इकसाम है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं भाईजान? वालेकुम अस्सलाम, करम है मालिक का दुआ है सर। हुक्म, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद जुबैर। जुबैर भाई, ये पूछा था आपका कौन सी चावल है, ये चावल है इसके क्या प्राइस है? प्राइस तो लिखे हुए हैं आपके, कैसी क्वालिटी है ये? ये A1 क्वालिटी है, 1121 चावल है, कायनात का है, और ये देग वगैरह में परचेस होता है, और हमारे पास तकरीबन मेन जो ब्रांचेज वगैरह हैं वहाँ से माल जाता है। ये 300 रुपये का है, लेकिन ये बोरी में हम रेट लगाते हैं 280 रुपये, हमारे पास समझो कि 10-20 रुपये डिस्काउंट होता ही है गरीब आवाम के लिए, और ये 250 रुपये रेट हम चलाते हैं, वैसे 260 का हमारे रेट हैं, और कम से कम भी जैसे कि कोई ऐसा कस्टमर आता है जो परचेस नहीं कर पाते हम उनको 235-230 रुपये में दे देते गरीब आवाम के लिए, और ये डेली यूज़ के लिए सेला है, 86 सेला कहलाता है, पुलाव वगैरह में यूज़ नहीं होता लेकिन डेली यूज़ में घर में यूज़ हो जाता है, ये 170 का लग जाएगा आपको। और बासमती में अच्छे से अच्छा चावल है पांडा स्टीम 1121, इसकी मार्केट इस वक्त 360 रुपये के रेट है, लेकिन हमारे पास पुराना माल पड़ा तो हम ये 310 से 320 रुपये में चलाते हैं। ये भी बिरयानी के चावल हैं, ये भी बिरयानी के चावल है, शॉर्ट ग्रीन के नाम से कहलाते हैं, 220 रुपये, और ये हम 200 रुपये इस वक्त चला रहे हैं, और ये पांडा की रेट का ही चावल है 280 रुपये, इसकी प्राइस भी अभी 310 से ऊपर की हो गई है, लेकिन ये हम 260-270 रुपये में दे देते हैं, और डेली यूज़ की तरफ हम आते हैं जी। यह है डेली यूज़ का चावल स्टीम 86,
और स्टीम किया हुआ चावल होता है। इसकी ये क्वालिटी के चावल टूटता नहीं है और ये भी 200-210 रुपए में हम रेट कर देते हैं गरीब आवाम के लिए। और ये 210 से हैं डेली यूज़ का चावल है, वो है मुर्गा बनस्पति 11-21 लॉन्ग साइज और 100% गारंटी है मुर्गा बनस्पति। और अब हम आते हैं टोटे की तरफ। ये बड़ा है बासमती टोटा, स्टीम का है लेकिन इसको प्रोसेस नहीं किया हुआ। ये 150 का है, 140 में आप दे देंगे, जैसे कि 10-20 रुपये हमारे पास वैसे ही परचेजिंग में हम रेट कम देते हैं। और ये है दागी, ये भी स्टीम किया हुआ है, कायनात का लॉन्ग साइज चावल है। इस वक्त इसकी बाज़ार 240-260 रुपये है लेकिन ये आपको 210-205 रुपये में हम दे देते हैं कस्टमर। ये डेली यूज़ का चावल है ये, लेकिन थोड़ा मोटा पकता है, नई फसल का माल है, ये भी नई फसल का, वो भी नई फसल का। और उसके बाद हम आते हैं स्टीम की तरफ। यह है 180 का, कायनात का माल है, 180 का चावल है लेकिन इसकी पकाई की ये गारंटी है कि ये है टुकड़ा, इसको कहते हैं थल्ला, लेकिन ये पकता बिल्कुल बारीक और लंबा चावल है। ठीक इसका छोटा चावल है ये सुपर कायनात स्टीम 11-21 150 रुपये तक परचेज़ किया गया। और मिक्स दाल बाकी हमारे पास चना दाल है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, माँच दाल है, अरहर दाल है, ये 5 दालें मिक्स है। ये 280 रुपये के रेट हैं लेकिन हमने 260 रुपये लगाए क्योंकि इसकी इस वक्त दालों के रेट भी 20-30 रुपये ऊपर ही हो गए। फिर ये अरहर की दाल है, इसमें 500 दालें शामिल है लेकिन ये सिंगल ही रखी हुई है, इसकी रेट है 430 रुपये लेकिन हमने 400 रुपये लगाए। हमारे पास क्वालिटी भी एक नंबर है और रेट भी एक नंबर है। हम ये है काली माँच साबुत और ये है काली माँच शेख, ये 320 है, रेट 340 के हैं और इसके रेट है 360 रुपये। ये 320 दिए जा रहे हैं, ये 300 रुपये दिए जा रहे हैं। और ये है अमेरिकन पॉपकॉर्न, इसकी बाज़ार भी 340 के रेट के करीब है। प्योर दाना है, सारा दाना फूलने वाला, कोई दाना काला नहीं पड़ता और सारा दाना फूलने वाला है। और ये है जौ का दलिया, 160 रुपये रेट है इसके, स्पेशल दलिया है गोश के। बाजरा नवाब शाह का है बिल्कुल फ्रेश, इसके रेट हैं 110 लेकिन हम ये होल सेल में चलाते हैं 100 रुपये। और ये कभी कभी का मिक्स दाना है, यह है 120 रुपये, इसमें बाजरा है, लाल चावल है, गंदम है, मसूर की दाल है, चने की दाल है और टोटा चावल है। तकरीबन मिक्स आइटम है लेकिन बड़ा फ्रेश आइटम क्वालिटी है इसकी भी। यह है मटर की दाल जो कबूतर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं और आजकल ये समोसों में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह मूँग की दाल है 260, ये इसके पड़ेंगे आपको 180 है, 170 रुपये लग जाएगा आपको। यह है मूँग की दाल सिंध वाली, ये आपको पड़ेगी 220 रुपये किलो लेकिन इसकी रेट भी 260 रुपये के करीब है। और ये मुर्गे वगैरह का लाल चावल है, इसका रेट भी 140 है, इस वक्त 120 रुपये में तकसीम किया जा रहा है। और ये प्योर चने की दाल है, 240 के रेट हैं, आपको पड़ेगी 220 रुपये में। ये प्योर चने की दाल का बेसन है, 240 के रेट हैं और इस वक्त आपको दिए जाएंगे 220 रुपये, बिल्कुल प्योर एक नंबर चीज़ है। बाकी चने वगैरह है, वाइट चने हैं, देसी दाल, 220 रुपये। ठीक है सर, स्पेशल की रेट है 240 रुपये रेट है, आपको 220 रुपये मिलेगा। और ये देसी चना है B90, ये 260 रुपये मिलेगा आपको, लेकिन इस वक्त इसकी बाजार भी 300 रुपये के करीब है। ये वाइट लोबिया है, 260 रुपये के रेट है इसके लेकिन आपको दिया जाएगा 240 रुपये में। और काजू मड़का है लाल लोबिया हमारे पास लेकिन इसकी बाजार भी है 400 रुपये के करीब, ये आपको लिए जाएगा 360 रुपये में। शॉर्टेज वाला माल है बिल्कुल, थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी हमारे पास। बाकी क्वालिटी अभी हमें माँच दाल है, काला चना है, बड़ी माँच की दाल है, छोटी माँच दाल है, छोटी वाली माँच दाल है, B90 चना है, मसूर दाल है, साबुत मसर है, चने की दाल बड़ी वाली है, छोटी वाली बार मैंने आपको दिखा दी थी। और ये 12 mm चना है, 12 mm चना, बंटी चना इसको बोलते हैं। क्या रेट है इसका? और इसके रेट हैं 400 रुपये, आपको ये पड़ेगा 380 रुपये किलो 12 mm चना। और ये है मूंग छिलके वाली दाल, शावरी दाल है, पिछावरी दाल, बिल्कुल फ्रेश आइटम है। क्या किलो है ये? ये आपको पड़ेगी 240 रुपये रेट हैं लेकिन 220 रुपये की पड़ेगी। अगर हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो आना चाहें, आपको ज़रा लोकेशन बता दें अपनी। हाँ, तो हमारी ये शॉप की लोकेशन है सिटी कोर्ट के बिल्कुल सामने वाली गली, स्ट्रेट आके कुकर मसाले के बिल्कुल सामने, कादरी राइस चावल राइस, मेरा नाम है। वैसे हमारे व्यूवर्स को आएंगे उनको डिस्काउंट देंगे, आप कुछ रियायत करिएगा उनके साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाएं, हमारा तावन आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह।
अब हम आ चुके हैं चूड़िया बाजार में खुर्रा मसाले के ऊपर, तो इनसे पूछते हैं इनकी शॉप कहाँ पर है और क्या नाम है और मसालों के क्या रेट चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम खुर्रम रजा है, चूड़िया बाजार में मेरी दुकान है, मिर्ची मसाले का मेरा कारोबार है जी। तो मसाले वगैरह क्या रेट चले? आजकल महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ जो है खाने पीने की इंसान की पहुँच से बाहर होती जा रही है, आम आदमी की दस्तर से दूर होती चली जा रही है, तो आपके पास क्या रेट है और क्या डिस्काउंट देते हैं आप आवाम को, ज़रा बताइएगा मुझे। हमारा तो वैसे होलसेल का काम भी है और रिटेल का काम भी है, ठीक है ना, जिस हिसाब से कस्टमर जैसा आता है उसको ऐसा माल देते हैं, ठीक है। एक नंबर माल बेचते हैं, दो नंबर माल हमारे पास नहीं होता, ठीक है। ये आपको मिर्ची पड़ेगी 600 रुपये किलो, एक नंबर तेज़ वाली। कौन सी वाली, ज़रा दिखाइएगा, ये रखी हुई सबसे आगे, एक 600 रुपये किलो है ये, और पूरी मिर्च भी 600 रुपये किलो, ठीक है। उसी हिसाब से ये हल्दी आ जाइए, हल्दी 400 रुपये किलो है, धनिया पीसा हुआ 400 रुपये किलो, ठीक है। साबुत धनिया है 360 रुपये किलो जी, साबुत धनिया 360 रुपये किलो है, और ज़ीरा पड़ेगा आपको अल्लाह भला करे 1200 रुपये किलो। बाकी मुख्तलिफ़ क्वालिटी, मुख्तलिफ़ आइटम है, बहुत से आइटम है इसमें, जैसे आपके पास मसाले वगैरह रखे, बिरयानी मसाला, कढ़ाई मसाला, इनके क्या रेट वगैरह है? ये पड़ेगा जो मसालों के पैकेट मिलते हैं उससे उसमें क्या फर्क होता है खुले में? पैकिंग में भी मिल जाएगा और उसमें भी मिल जाएगा, खुले में मिल जाएगा आपको, जिस हिसाब से आप मांगोगे मिल जाएगा, 550 रुपये किलो पड़ेगा ये मसाला आपको। मतलब मछली मसाला लें, मुर्गी मसाला लें, कढ़ाई मसाला, सबके एक ही प्राइस, आपके एक ही प्राइस है, सबके एक ही रेट है। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर वो आपके पास आएंगे तो क्या उनको डिस्काउंट देंगे आप? बिल्कुल देंगे, आपके कितने परसेंट आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे। कितने परसेंट देंगे भाईजान? जो हो सका 10-10% दे देंगे। चलें सही है, बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़। तो ये भाईजान जो है ठेले के ऊपर ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या रेट वगैरह इनके ड्राई फ्रूट के, क्या ड्राई फ्रूट है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्यों, क्या क्या है आपके पास, ये ड्राई फ्रूट क्या रेट दे रहे हो सर आप? ये 350 पाव 1400 किलो पड़े। और ये अंजीर का क्या रेट है? ये 250 का पाव, ये वाला भी 400 पाव 1600 किलो पड़े, ये 300 पाव 1200 किलो पड़े। नाम क्या है आपका, आप कहाँ खड़े होते हैं? यही खड़े होते हो आप रोजाना? अगर मोबाइल नंबर दे दो ताकि कस्टमर आपसे लेना चाहे तो ले लेगा। तो हम आ चुके हैं सियालकोट राइस के ऊपर, यहाँ पे इनके पास चावल और आटा जो है दस्तियाब है, तो इनसे पूछते हैं क्या रेट वगैरह चल रहा है भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर आपका? आमिर जी। आमिर भाई बताइएगा आटे वगैरह क्या रेट चल रहा है आपके पास? 6750 रुपये। ये 6750 रुपये जो बता रहे हैं, कितने के जी का रेट है? 50 केजी का। मतलब 50 केजी का जो आपका कट्टा है 6750 रुपये का है। और ये फाइन आटे का क्या रेट है? 6850। फाइन आटा 6850 रुपये का है। और क्या क्या होता है आपके पास शॉप पे? ये फाइन मैदा सूजी होती है। मैदा और सूजी का रेट बताइएगा ज़रा। ये 6850। सूजी का भी यही रेट है? मतलब सूजी भी लें 6850, मैदा भी 6850 रुपये। कोई अगर खुला वाला जाए तो आप खुला हुआ देते हैं क्या? मतलब 50 किलो की पैकिंग में ही देते हैं आप? मिल पैकिंग होती है 50 किलो की बस। तो आपके पास जो जो भी लेने आएगा कस्टमर, तो उसको लेने में आपसे और जो मार्केट से खरीदते हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ता है अंदाजन को परसेंटेज में? 250 रुपये का कट्टे पर फर्क है। मतलब जो आपसे लेगा यहाँ पे होलसेल मार्केट से लेता है, जो अपनी दुकान से करीब लेता है, 200-250 रुपये कट्टे के ऊपर फ़र्क आता है आप बता रहे हैं? 200 रुपये का कम फर्क आता है। तो आपकी शॉप भी किस लोकेशन पे, कस्टमर बता दीजिए ताकि कोई लेना चाहेगा हमारा व्यूवर तो आपसे आगे ले लेगा जो सस्ते दामों में आप दे रहे हैं आटा वगैरह। मैं नहीं, जोड़िया बाजार है, कच्ची अहमद केमिकल है, मशहूर है, इसके सामने शॉप है सियालकोट राइस। आपसे पूछे चले, जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, महंगाई का दौर है, तो जैसे दुकानों पर आटा आजकल काफ़ी महंगा चल रहा है, तो उससे वाले से आप लोगों की सेल में कुछ फ़र्क आया है या फिर वैसी सेल है आजकल पुराने हिसाब से? ज़रा बताइएगा इस हवाले से ज़रा। ये वही सेल है पुराने हिसाब से, मतलब सेल में आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा है? कुछ भी नहीं। जो कस्टमर आते हैं महंगाई के रोना नहीं रोते आपके साथ? कुछ भी नहीं है, सब लेके जाते हैं, जो रेट है वही रेट बोलते हैं, हम वो ले लेते हैं, बोला कोई बात नहीं। अच्छा, टीवी पे तो आ रहे हैं आजकल, सब जगह महंगा हो गया है, सब रेट 150 का भी हो जाएगा, लोग खाएंगे क्या करें, खाना। अभी 150 तो क्रॉस करिए, मोहल्ले की दुकानों में 60 रुपये किलो चल रहा है भाईजान आटा है ना, वो छोटी चक्की होता है ना, छोटी चक्की महंगी पड़ती है। चलें सही जना, बहुत शुक्रिया आपका आमिर भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। तो हम आ गए तेल की दुकान के ऊपर, जहाँ पे ऑयल और घी
दस्तियाब है, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी जुआना क्या नाम है और क्या रेट चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम इसहाक है। दुकान किस नाम से आपकी है? मुस्लिम ऑयल डिपो। मुस्लिम ऑयल डिपो। तो आपसे पूछना है तेल की क्या रेट चल रहे हैं, कितने के लीटर की बोतल है आपकी? ये 5 लीटर बोतल है, 2500 रुपये की। और ये डालने का जो 5 किलो वाला तेल का डब्बा, ये कितने का है? ये 2600 रुपये का। और घी के क्या रेट है ये? ये 2480 है, 2450। और जो 1-1 किलो वाले पाउच है वो क्या हिसाब मिलते हैं आपके पास? पूरे कार्टन होते हैं। एक कार्टन में कितने होते हैं पीस? 5। तो 5 पीस का जो कार्टन है आपके पास वो कितने का होता है 1 किलो वाले पाउच का? 2480 रुपए का। और क्या क्या आपके पास है ब्रांड्स है, आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं आपके पास? तो अगर हम बाहर से लेते हैं रिटेल में तो उसमें और आपसे होलसेल में लेने में कितना फर्क पड़ता है, कितना परसेंट का फर्क आता है? 20-25 रुपए का फर्क आता है एक पाउच। मतलब 1 किलो तेल के ऊपर आप कह रहे हैं 20-25 रुपए का फर्क आता है। चले सही है, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको यहाँ बताते चलें कि ये जुड़िया बाज़ार जो है काफ़ी कदीम मार्केट है ये, और ये पूरे पाकिस्तान की इतिहास की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे पूरे ट्रक जो है यहाँ से लोड हो रहे हैं, पूरे पूरे ट्रक लोड होकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आज का अपना व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपने हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा वीडियो हमारी कैसी लगी आपको। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।